एशिया कप 2023 का आगाज 30 अगस्त से होना है। छह देशों के बीच खेले जाने वाले इस टूर्नामेंट के लिए भारतीय टीम का ऐलान अब तक नहीं किया गया है। एशिया कप के प्रदर्शन से वर्ल्ड कप की तैयारियों का भी टेस्ट होना है और इसी वजह से इस टूर्नामेंट का महत्व काफी ज्यादा है। हालांकि रोहित एंड कंपनी के सामने कई बड़े सवाल है जिनका हल टीम को एशिया कप से पहले खोजना होगा। आइए आपको बताते हैं ऐसे ही तीन बड़े सवालों के बारे में जिसने टीम मैनेजमेंट और कप्तान रोहित की नींद उड़ा रखी है। पहला सवाल, शुभमन गिल की फॉर्म। शुभमन गिल की खराब फॉर्म ने भारतीय टीम की नींद उड़ा रखी है। गिल ने साल 2023 का आगाज धमाकेदार अंदाज में किया था, हालांकि गिल की वो फॉर्म न जाने कब कहां खो गई। वेस्टइंडीज दौरे पर भारतीय सलामी बल्लेबाज का बल्ला उस कदर नहीं बोला जैसी टीम मैनेजमेंट को उनसे उम्मीदें थी। एशिया कप में रोहित शर्मा के साथ पारी का आगाज करने की जिम्मेदारी गिल के कंधों पर होगी, लेकिन उनकी फॉर्म ने टीम मैनेजमेंट को टेंशन दे दी है। दूसरा सवाल, खोखला नजर आ रहा मिडिल ऑर्डर। भारतीय टीम का मिडिल ऑर्डर पूरी तरह से खोखला नजर आ रहा है। माना जा रहा है कि केएल राहुल और श्रेयस अय्यर की एशिया कप के लिए टीम में वापसी हो सकती है। हालांकि अय्यर और राहुल टीम में लौटने के बाद उस तरह की फॉर्म दिखा पाएंगे या नहीं, यह अपने आप में बड़ा सवाल है। सूर्य कुमार यादव को नंबर 4 पर आजमाया गया है, लेकिन वनडे में वह उम्मीदों पर खरे नहीं उतर सके हैं। हार्दिक पांड्या का बल्ला भी हाल फिलहाल में कुछ खास नहीं चला है। तीसरा सवाल, गेंदबाजी अटैक को लेकर माथापच्ची। जसप्रीत बुमराह आयरलैंड दौरे से क्रिकेट में वापसी कर रहे हैं, ऐसे में एशिया कप 2023 में उनका चयन तय माना जा रहा है। बुमराह के फिट होने के साथ साथ मोहम्मद शमी भी टीम में लौटते दिखाई देंगे। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि कप्तान रोहित शर्मा प्लेइंग 11 में किन तेज गेंदबाजों के ऊपर दाव खेलना चाहेंगे। ये बात नहीं भूलनी होगी कि मोहम्मद सिराज अपने करियर के सबसे बेहतरीन दौर से गुजर रहे हैं और उनको टीम से बाहर बैठाने का फैसला बेहद रिस्की हो सकता है। सिर्फ पेस डिपार्टमेंट ही नहीं बल्कि स्पिन विभाग में भी कप्तान रोहित के सामने कई सवाल है। युजवेंद्र चहल और कुलदीप यादव की जोड़ी ने वेस्टइंडीज दौरे पर अच्छा प्रदर्शन करते हुए अपनी दावेदारी पेश कर दी है। दूसरी ओर अक्षर पटेल और रविंद्र जडेजा गेंद के साथ बल्ले से भी अहम योगदान दे सकते हैं। ऐसे में रोहित किस पर भरोसा दिखाएंगे, ये बेहद दिलचस्प होगा।